नमस्कार, सीरियस भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने की सत्ता को घेरने की तैयारी। आगे बात होगी जशपुर की, जहां पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल पर मीटिंग हुई आयोजित। साथ ही आगे चर्चा होगी शिवपुरी की, जहां अमोला सिंध पुल पर कंटेनर ने मारी पिकअप वाहन में जोरदार टक्कर। और भी तमाम खबरों पर आइए, करते हैं विस्तार से चर्चा। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने सत्ता को घेरने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस अपनी विपक्षी भूमिका निभाने के लिए विधानसभा सत्र शुरू होते ही प्रदेश के तमाम बड़े मुद्दे सत्ता के सामने रखने का दम भर रही है। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में बढ़ते क्राइम को हो रही घटनाओं पर हम जनता के मुद्दे विधानसभा सत्र में रखेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि मध्य प्रदेश हादसों का प्रदेश बन गया है, चाहे हरदा घटना हो या इंदौर का विस्फोट हो। जिस प्रकार से जनता को क्षति पहुंची है, उसको लेकर कांग्रेस तमाम मुद्दों को विधानसभा में रखेगी। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस ने व्यापम घोटाले को लेकर बहुत छाती पीटी थी, लेकिन 2013 में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनी थी। 2023 में भी इन्होंने खूब जमकर पटवारी घोटाले में छाती पीटी थी। विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद हम गरीबों एवं किसानों के कल्याण के लिए योजनाओं पर कार्य करेंगे। देखिए, जब भी आम चुनाव होते हैं देश में, लोकसभा चुनाव, उस कारण से उस वर्ष सब पूरक बजट प्रस्तुत किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी पूरक बजट प्रस्तुत किया था। अब चूंकि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आ रहा है और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो रही है, और हर राज्य में जो है अब बजट सत्र आ रहा है विधानसभा के अंदर, वही उसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश में आएगा। अब कांग्रेस जो है क्या कर सकती है? कांग्रेस सदैव ये सब जो उनके निष्फल हो जाता है, भगवान रूपी जनता बराबर आशीर्वाद दे रही है। इन्होंने व्यापम के लिए की बहुत छाती पीटी थी, बहुत मातम पुरुषी की थी, लेकिन 2013 में भी हमारी प्रचंड विजय हुई थी, 165 से ज्यादा सीट आई थी विधानसभा में। 2023 के लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के पहले पहले भी इन्होंने पटवारी परीक्षा के ऊपर बहुत सारे आक्षेप लगाए, हमने जांच की, बहुत छाती पीटी, मातम पुरुषी की कांग्रेस ने सब किया। उसके बाद उसी भगवान रूपी जनता ने हमारी नीतियों पर मोहर लगाई, 163 से ज्यादा विधायक दिए थे। तो ये हम जनता को बताने में सफल होते हैं, और निसंदेह विधानसभा सत्र के द्वारा जन कल्याण के लिए जो बजट सत्र प्रस्तुत होगा, उसमें जनता के कल्याण के लिए बजट में और ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकें, कैसे हम आधारभूत संरचना का और विकास कर सकें, कैसे हम किसानों का कल्याण कर सकें, कैसे हम युवाओं का कल्याण कर सकें, कैसे हम नारी शक्ति का कल्याण कर सकें, कैसे हम गरीबों का कल्याण कर सकें, और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार मध्यम वर्ग का कल्याण कर सके, उसके लिए हम सदैव संकल्पित रहते हैं, और उस बजट सत्र के अंदर भी यह सब आपको हमारे बजट में दिखेगा। सर, विधानसभा सत्र लगने वाला है, उसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी रहेगी, क्या सवाल सत्ता के पक्ष में रखेगी कांग्रेस? देखिए, मध्य प्रदेश जो है हादसों का प्रदेश बन गया है। हरदा के विस्फोट में कितने लोगों को अकाल मौत हुई, कार्रवाइयां दिखाई नहीं पड़ रही। इसके बाद इंदौर में विस्फोट हुआ, उसमें लोग मारे गए, गैस की टंकी फट गई, उसमें लोग मारे गए। जगह जगह पर जो हादसे हुए हैं और इनमें जो अकाल मौतें हुई हैं, वो इस प्रदेश में कितनी लापरवाही है, कितनी मिस गवर्नेंस है, इसका प्रमाण सैकड़ों ऐसे मामले हुए हैं जिनमें भ्रष्टाचार के, इसके बाद जो है अपराधों के, हत्याओं के, बलात्कारों के, कि जिस पर जो है कोई प्रथम दृष्टया ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है कि स्टेट ने कोई एक्शन लिया है, और इनके ऊपर जो है बहस होगी, इन पर बातचीत, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, आज जो है कर्जा इतना सरकार के ऊपर है, जनता मरी जा रही कर्जा चुका चुका के, और अभी अब 300 करोड़ का प्लेन भी खरीदना है, और जो है सैकड़ों करोड़ की गाड़ियाँ भी खरीदनी है विशेष नंबरों की, इसके बाद जो है हर जगह प्रदेश भर में 1000 हेलीपैड भी बनाएंगे। ये विकास है कि आपके लिए खुद की निजी सुविधा पैदा कर रहे हैं आप जनता के पैसे से? इन सब पर बहस होगी और हंगामा खेज होगा ये पूरा विधानसभा सत्र। सरकार अगर पूरा सत्र चलाएगी, जवाब देते देते दम निकल जाएगी। भोपाल से सीनियर संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। सरकार लाख दावे करे किसानों को साधने के, लेकिन आदिवासी अंचल डिंडोरी में उनका किस कदर शोषण हो रहा है, इसकी बानगी यहां की हालत देखकर ही पता चलती है।
दरअसल वर्ष 2015-16 में डिंडोरी जिले की सबसे दूरस्थ जनपद पंचायत करंजिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बिट्ठल दे स्थित सिवनी नदी में जल संसाधन विभाग के द्वारा करीब 384 करोड़ की लागत से बांध निर्माण किया जाना था, जिसमें बिट्ठल दे समेत 11 गांव के करीब 824 किसानों को विस्थापित किया जाना था। ग्रामीणों के विरोध के चलते बांध का निर्माण आज तक प्रारंभ ना हो सका। भूमि अधिग्रहण से नाराज किसानों के प्रशासनिक अधिकारियों पर तानाशाही का आरोप लगाया, तो वहीं क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। हमारे पिता का गजरूप नाम था, गजरूप सिंह, पिता जेठू, उनका मृत्यु जो है तो जो 2005 की हुआ है। अभी बांध निर्माण में उनकी सहमति लगी है, कब बांध निर्माण का काम प्रस्तावित हुआ है? ये 2016-17 का है सर, और उसमें हमारा पिता नहीं था, तो ये फर्जी ये सर्वे किया गया है। सहमति लगा दी है और उनका तो 2005 के देहांत हो चुके, तो जब वो होता या सर्वे में नाम, तो हमारा जमीन, हमारा तीनों भाई का नाम है पट्टा में, राकेश, संतोष, अक्षय कुमार। तो हमको किसी से कुछ नहीं पता, अभी पता चल रहा है कि जो तुम्हारा पिताजी का नाम आ गया है सर्वे में, सहमति दे दिए हैं करके, और हमारा कुछ समय सहमति नहीं है, पिताजी है ही नहीं, तो क्या नहीं है, तो फिर कैसे सर्वे होगा? ये सब फर्जी है, तो इसके शिकायत किए हैं हम, इनके जांच होना चाहिए प्रशासन से। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार। ये हमारी डिंडोरी मध्यम परियोजना है जो 2017 में स्वीकृत हुई थी, और इसकी लागत जो है 384.48 करोड़ है, और इसका जीसी एरिया है 15,502 हेक्टेयर का, और इसमें प्रभावित किसान है 527 जिनका भूअर्जन अभी हुआ नहीं है, कुछ का हो गया है, और ये लेकिन इनकी ज़मीनें मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन विभाग के नाम हस्तांतरित हो चुकी है। बिना मुआवजे कैसे है? नहीं, पूरे मुआवजा नहीं हुआ है, करीब 50 परिवार, लगभग 80-90 लोगों का मुआवजा हो चुका है, और इसमें वहाँ पर जब जो अपने ठेकेदार है फलौदी कंस्ट्रक्शन ने काम प्रारंभ करने को गए, तो वहाँ पे काम पे विरोध हुआ, जिसके कारण मुआवजा पर भी रोक लग गई है। सर, किसान परेशान, एक साल से उनकी भूमि का अधिग्रहण हो चुका है और उनको किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं, अगर किसान है वो हो और मुआवजा लेने को तैयार हो तो रोक तो हट जाएगी, रोक तो ऊपर से इसीलिए लगी हुई है कि वो मुआवजा लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अगर वो तैयार हो तो मुआवजा की जो रोक है, हमारे उच्च अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि रोक हटा देंगे, कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो बिना मुआवजे दिए अधिग्रहण किया जा सकता है सर? जिला प्रशासन ने अपनी पावर को उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित किया है। तो किसानों को तो ये तो किसान नुकसान उठा रहा है, इसका खामियाजा किसान नहीं, तो किसान के लिए पैसा जमा हुआ है कलेक्ट्रेट में, राशि पूरी जमा ही है, तो वहाँ पर अपना अगर सहमत हो कार्य के लिए तो मुआवजा राशि प्राप्त कर लें, पूरा राशि पूरी कलेक्ट्रेट में जमा है। एक साल पहले हो चुका है अधिग्रहण 2022 पे हुआ है। डिंडोरी से सीनियर संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। जशपुर पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल पर मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें नशे के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से चर्चा कर कोर्ट पैक्ट के तहत कार्यवाही करने एक एक विशेष टीम का गठन किया गया, जो इस प्रावधान के तहत कार्यवाही करेंगे। उक्त टीम द्वारा दिनांक 23 मई से 30 मई तक जिले के समस्त विभिन्न थाना चौकी क्षेत्र में भ्रमण कर आम लोगों को जागरूक किया गया। सार्वजनिक स्थल, हॉट बाजार, दुकानों, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जाकर सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 कोटपा के संबंध में, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को निषेध किया गया है तथा दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस संबंध में विस्तार से बताया और लोगों को जागरूक किया। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद के विक्रय व्यापार पर प्रतिषेध का प्रावधान है। COTPA एक्ट को लेकर पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह द्वारा अभिनीत एवं निर्मित शॉर्ट फिल्म लोगों को दिखाई गई। तंबाकू, गुटखा इत्यादि के सेवन करने से मुँह में कैंसर होता है एवं मुँह कम खुलता है। सिगरेट पीने से फेफड़ों की समस्या होती है, इसके बारे में बताया गया। पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह द्वारा कहा गया कि कोटपा एक्ट के संबंध में एक सप्ताह तक पूरे जिले में जागरूकता अभियान चलाया गया है, कल से चालानी कार्यवाही की जाएगी। भाई साहब, ये सिगरेट कहीं और पी लीजिए। ए, तेरे को प्रॉब्लम? एक्चुअली आप एक्टिव स्मोकर हैं और मैं पैसिव,
जितना नुकसान आपको सिगरेट पीने से है उतना नुकसान बिना पिए मुझे हो सकता है। देख भाई, मैं आजाद देश का आजाद नागरिक हूँ और तेरी सेहत के लिए मैं अपनी आजादी नहीं छोड़ सकता। अरे ये क्या मांगे, आजादी? अरे दे दो आजादी, सिगरेट पीने की आजादी, धुआं उड़ाने की आजादी, अरे कानून तोड़ने की आजादी, दे दो आजादी। अरे ये क्या मांगे, आजादी? अरे साहब, इनको सार्वजनिक जगह पे सिगरेट पीने की आजादी चाहिए। सिगरेट पीने की आजादी? हर आजादी अपनी कीमत मांगती है। कोटपा एक्ट का 200 रुपए चालान कटेगा, निकालिए पैसे। निकालिए। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के सुरवाया व अमोला थाना सीमा क्षेत्र के अमोला सिंध पुल पर एक कंटेनर वाहन ने पिकअप वाहन में पीछे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप वाहन पुल ही पलट गया। इस हादसे में कंटेनर का चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे सुरवाया व अमोला थाना पुलिस की मदद से उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। बताना होगा, कंटेनर शिवपुरी से करेरा की ओर जा रहा था, तभी सिंध पुल पर पिकअप वाहन में कंटेनर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। 28 मई मंगलवार को रात में 2 बजे सूर्यनगर शमशाबाद बजरंग दल टोली को गाय से भरी बुलेरो पिकअप की सूचना मिली, जो क्रूरता पूर्वक भरकर भोपाल के लिए निकल चुकी थी। सूचना प्राप्त होने के बाद सूर्यनगर शमशाबाद बजरंग दल टोली पिकअप की तलाश में लग गए, जिसके बाद रात लगभग 2:30 बजे के आसपास महानीम चौराहे पर खाली कोल्ड ड्रिंक की ट्रे से भरी एक बुलेरो पिकअप आई, जिसको बजरंग दल की टोली ने रोका तो वह कट मारकर भागने की कोशिश की, जिसका पीछा करने के बाद बजरंग दल टोली ने सोहाया जोड़ पर रोक ली, लेकिन पिकअप के ड्राइवर एवं क्लिंजर पिकअप को छोड़कर मौके से भाग गए। जब पिकअप की जांच की तो पता चला कि पिकअप की बॉडी के 2 पार्टीशन का ऊपरी और बाहरी हिस्से में कोल्ड ड्रिंक की खाली ट्रे जमा थी, लेकिन उनके नीचे लकड़ी के पटिए लगे थे, जिनके अंदर क्रूरतापूर्वक गौवंश को रस्सी से चारों पैर और मुंह बांधकर एक के ऊपर एक छल्ली लगाकर 10 गौवंश भरे थे, जिसके तुरंत बाद बजरंग दल की टोली ने बैरसिया पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन भी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।